दोस्तों ये स्टार्टर है, अभी एक डेमो तरीके से तैयार किया है। आगे इसको अच्छी सी बाल्टी में बना के इसको मार्केट में उतारने का प्लान है। दोस्तों चलिए इसके फंक्शन के बारे में आपको बता दें। जैसा कि पहले एक साधारण स्टार्टर हुआ करता था, स्टॉप स्टार्ट MCB और साधारण मीटर। हमने इसमें डिजिटल मीटर लगाया है जिसमें वोल्टेज और लोड यानी एम्पियर दोनों बताएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर हमने सर्किट तैयार किया है, इसमें आपका जो मोटर है अपने आप चलेगा और पानी भरने के बाद अपने आप ही ये बंद कर देगा। ऑटो सिस्टम, ऑटो मोड करने पे ये अपने आप काम करेगा। और साइड में दोस्तों ये सेंसर है, ये सेंसर जो है सीधे ऊपर टैंक में गया हुआ है दो तार का। और अब इसको चला के दिखाते हैं। इसको MCB उठाया, इसको हमने अभी बाईपास कर दिया, ठीक है। ये इसमें वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ऑन करेंगे क्योंकि इसमें मैनुअल और ऑटो दोनों है, इसको हम मैनुअल चलाएंगे। ये चालू हो गया दोस्तों। ये इसमें करीब 5 एम्पीयर मोटर हमारी ले रही है। और चलिए बंद करके दिखाते हैं, ये यहाँ से बंद हो गया दोस्तों। इसके बाद हम ऑटोमेटिक चालू करेंगे। ये ऑटोमेटिक चालू हो गया और ये बंद इसलिए हो गया क्योंकि टैंक हमारा ओवरफ्लो फुल है, भरा हुआ है, इसलिए फुल हो गया। और अब ये वाले स्विच काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑटो मोड कर दिया है, ये वाले काम नहीं करेंगे। और अब अगर टैंक को यानी कि मोटर को चालू करना है तो आप ये ऑटो स्टार्ट वाला ये बटन दबाएंगे। इसे दबाने से मोटर, अगर पानी आपको कम लगता है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऐसे ऑन कर देंगे और ये भरने के बाद खुद अपने आप बंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बीच में अगर बिजली आती है जाने के बाद तो ये अपने आप ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लगातार बिजली आती है तो आपको टैंक का पानी कम होने पे इसको पुश करना होगा भरने के लिए, और बाकी जो मोटर है ये अपने आप ही ऑफ कर देगा अगर ऑटो मोड पे है तो। दोस्तों कैसा लगा ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर बताएं हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अगर इसकी ज़रूरत मार्केट में है तो कितनी ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से ज़रूरत होनी चाहिए कि पानी काफ़ी व्यर्थ ख़त्म होता है क्योंकि हम जो समर सेविल सब घर में लगे हुए हैं, मात्र 5 या 10 मिनट में टैंक को फुल कर देते हैं। और अगर कोई बंद करना भूल जाता है तो तमाम हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं और मार्केट में इसको उतारेंगे। धन्यवाद दोस्तों।